कुर्मी सेना द्वारा स्व केशुभाई पटेल ने भव्यातिभव्य स्मरणांजलि अपाई। कुर्मी सेना द्वारा स्व केशुभाई पटेल ने भव्यातिभव्य स्मरणांजलि अपाई। स्मरणांजलि सभा में समस्त पाटीदार समाजनी तमाम संस्थाना आगेवानो उपरांत सर्वे समाजना अग्रणीओनी विशाल संख्या में उपस्थिति। कांग्रेस, भाजप, आप, बसपा, बीएमपी ना नेताओं साथे मळी स्व केशु बापा ने भावांजलि अर्पण करी। स्व केशु बापाना परिवारजनों तथा उपस्थित मानव मेहरामणना हाजरी में हीरासर इंटरनेशनल एरपोर्टना केशुभाई पटेलनु नाम आपवा माटे ठराव पसार करवामां आव्यो। सभामां समापन बाद મળેલ મીટિંગમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કુર્મી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે જિગ્નેશ કાલાવડિયાની વરણી કરવામાં આવી। રાજકોટ તારીખ 28 આંતરરાષ્ટ્રીય કુર્મી સેના દ્વારા ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્વ પ્રજ્ઞભૂષણ કેશુભાઈ પટેલની ચતુર્થ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે ભવ્યાતિભવ્ય સ્મરણાંજલિ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પાટીદાર ઉપરાંત સર્વે સમાજના આગેવાનો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી અને સ્વ કેશુ બાપાના લોક ઉપયોગી કાર્યોને યાદ કરી તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી। સભાના પ્રારંભમાં દીપ પ્રાગટ્ય બાદમાં ઉમા ખોડલની આરતી કરવામાં આવી હતી, જેમાં સભામાં હાજર રહેલ વિશાળ જનમેદનીએ ભાગ લેતા વાતાવરણ દિવ્ય તેજથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું। સભાના પ્રારંભે ચિરાગ કાકડિયા દ્વારા સ્વાગત પ્રવચન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ કુર્મી સેનાના આગામી કાર્યક્રમ અને સ્વ કેશુબાપાના સ્મરણાંજલિ કાર્યક્રમ પાછળની ભૂમિકા જાણીતા પત્રકાર તંત્રી જિગ્નેશભાઈ કાલાવડિયા દ્વારા આપવામાં આવી હતી। કુર્મી સેના દર વર્ષે કેશુબાપાની પુણ્યતિથિ પર શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરશે તેવી આ તકે તેમણે જાહેરાત કરી હતી। आ तके स्व केशुभाई पटेलना जीवन संघर्षनी याद अपावती डॉक्यूमेंटरी फिल्म प्रदर्शित करवामां आवी हती। कार्यक्रममां पधारेल समाज अग्रणी समक्ष जाणीता लोक साहित्यकार मनसुखभाई वसोया अने दादुभाई गढ़वी द्वारा कार्यक्रम ने अनुरूप केशु बापाना जीवन विषे तेमणे आगवी शैलीमां वात मूकवामां आवी हती। स्मरणांजलि सभामां उपस्थित रहेल कोडलधामना आगेवान हशमुखभाई लुणागरिया, दिनेशभाई बांभणिया, विश्व उमिया धामना उपप्रमुख डीएन गोल, राजकोटना मेयर श्रीमती नैनाबेन पेठड़िया, सरदार धामना आगेवान जयंतीभाई सरदारा, गुजरात राज्य पछात विकास निगमना पूर्व चेयरमैन नरेन्द्र भाई सोलंकी, पूर्व धारासभ्य सिद्धार्थ परमार, पाटीदारी समाज अमदावादना प्रमुख पूर्व धारासभ्य जीतूभाई पटेल, केशुबापाना निकटना स्नेही अमोलभाई पटेल, केशुबापाना परिवार तरफथी अश्विनभाई पटेल, राजकोट शहर कांग्रेसना कार्यकारी प्रमुख संजय भाई अजुडिया, आम आदमी पार्टीना आगेवान अने खोडलधामना ट्रस्टी शिवलाल बारसिया, पूर्व राज्यमंत्री गोविंद भाई पटेल, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वल्लभभाई कथिरिया वगैरह द्वारा तेमणे केशुबापा साथेना संस्मरणो वागळवामां आव्या हता। कार्यक्रममां सभास्थळ पर केशुबापा, सरदार पटेल अने शिवाजीना विशाल कटआउट अने सेल्फी पॉइंट गोठववामां आव्या हता। तमाम वक्ताओ द्वारा स्व केशुभाई पटेलना बेदाग राजकीय जीवन अने तेमणी खेती, खेडूत अने गरीब, दलित, शोषित जनता प्रत्येनी कटिबद्धताने याद करवामां आवी। आजना राजकीय परिप्रेक्ष्यमां हवे केशुबापा जेवा नेता रह्या नथी, आ बाबते पण वसवसो व्यक्त करवामां आव्यो। स्मरणांजलि सभा में केशुबापाना जीवन संघर्ष तमने राजकीय कैरियर पर आधारित जाणीता पत्रकार लेखक दिलीप पटेलना पुस्तक धरतीपुत्र केशुभाई पटेलनु उपस्थित महानुभावना हस्ते विमोचन करवामां आव्युं हतुं। आ बाबते पुस्तकना प्रकाशक चिराग पटेल द्वारा पुस्तकनी प्रासंगिकता अने भावी आयोजन बाबते तेमना विचारो रजू करवामां आव्या हता। आभार विधि जिगीशा पटेल अने अशोकभाई दलसाणिया द्वारा करवामां आवी हती। स्व केशुबापानी श्रद्धांजलि सभामां सर्वे समाजना आगेवानो, राजकीय सामाजिक क्षेत्रना आगेवानो खूब ज मोटी संख्यामां हाजर रह्या हता, जेमां एसपीजी अध्यक्ष कल्पेश रांक, यूपी युवी क्लबना डायरेक्टर मुन्ना भाई घेटिया, पूर्व धारासभ्य अने पटेल समाजना आगेवान टप्पू भाई लिंबाशिया, जाणीता राजकीय अने सामाजिक अग्रणी किशोरभाई अदीपरा, विठ्ठलभाई धड़ुक, गोपालभाई भुआ, राजाभाई पटेल, प्रदेश कांग्रेस महामंत्रीना मनोजभाई पनारा, गायत्रीबा वाघेला, अशोकसिंह वाघेला, जसवंतसिंह भट्टी, कांग्रेस प्रमुख अतुलभाई राजाणी, विपक्षना नेता वसरामभाई सागठिया, मुस्लिम एकता मंच में इम्तियाज पठाण, सामाजिक अग्रणी जेपी जाडीजा, गीरगंगा परिवारना दिलीपभाई सखिया, प्रतापभाई पटेल, सोनलबेन डांगरिया, किसान नेता रमेश चंद्र पटेल, जगदीश ठाकुर, गिरीशभाई परमार, किरीटभाई पटेल, पंकजभाई रानसरिया, बसपाना आगेवान चमनभाई सवसाणी, बसपा उपाध्यक्ष मकवाणाभाई, बहुजन मुक्ति पार्टीना प्रकाशभाई सिंगल, जगदीशभाई अजीतभाई परमार, गुजरात नवनिर्माण सेनाना अतुलभाई दवे, विचारक वासुदेवभाई पटेल, विनुभाई धवा, किसान अग्रणी भीखाभाई लिंबाणी, आप नेता तेजस गाजीपरा, युवा अग्रणी भावेशभाई लोखील, भरतभाई वाघड़िया, मुस्ताक दीवान, धवल पटेल सहितना दरेक क्षेत्रना नामी अनामी अग्रणीओ हाजर रह्या। स्व केशुभाईना परिवारमांथी तेमना सुपुत्र महेशभाई पटेल, भत्रीजा अश्विनभाई पटेल, पौत्र उदयभाई पटेल, सेतलभाई, राजूभाई सहितना उपस्थित रह्या हता। आ तके मंच परथी कुर्मी सेनाना संस्थापक जिग्नेश कालावडिया द्वारा केशुबापाना परिवारनी लागणीने ध्यानमां राखी हीरासर इंटरनेशनल एरपोर्टनुं नाम स्व केशुभाई पटेल इंटरनेशनल एरपोर्ट करवानो ठराव मूकवामां આવ્યો હતો, જેને उपस्थित जनमेदनीए हाथ ऊंचा કરી अनुमोदन આપ્યું હતું। આંતરરાષ્ટ્રીય कुर्मी सेनाना ગુજરાતમાં આ પ્રથમ ભવ્ય કાર્યક્રમ હતો, જેના સફળ આયોજન માટે कुर्मी सेनानी टीम द्वारा रात दिवस जहमत उठावવામાં આવી હતી, જેમાં ચિરાગભાઈ કાકડિયા, વિજયભાઈ સિયાણી, સંજयભાઈ ખીરસરિયા, નરેન્દ્રભાઈ ગુંદણિયા, કેતનભાઈ તાળાત, હરેશભાઈ લુશા, લીનેશભાઈ सकबरिया, દર્શિત પટેલ, ધવલ વડાલિયા, જગદીશ સિંગાળા, વૈભવ રાદડિયા, नीलेश वाछाणी, अंकित गढ़िया, दिलीप झलावड़िया, चंद्रेश सवसाणी, भावेश माखीसणा सहितना मित्रोए जहेमत उठावी हती। कार्यक्रमना समापन बाद सभास्थल सोरठिया फार्म बापा सीताराम चौक मवडी खाते आंतरराष्ट्रीय कुर्मी सेनाना समर्पित कार्यकर और कारोबारी सभ्योनी मीटिंग मळी हती, जेमां बहुमतीथी जिग्नेशभाई कालावड़ियानी राष्ट्रीय अध्यक्ष तरीके वरणी करवामां आवी हती अने तेमणे संगठननी संरचना माटे आगामीना दिवसोमां कार्यवाही करवानी सत्ता आपतो ठराव पसार करवामां आव्यो हतो। आगामी समयमां आंतरराष्ट्रीय कुर्मी सेनाना द्वारा दरेक राज्यमां प्रदेश, जिल्ला, तालुका, ग्राम समिति होद्देदारोनी वरणी करवामां आवशे तेवी बैठकना अंते निर्वाचन अध्यक्ष जिग्नेश कालावड़िया द्वारा जाहेरात करवामां आवी हती।